या उत्तराखंड और यूपी पे निगाह रखे है खास एबीपी गंगा खबर आपकी जुबान आपकी। महाराष्ट्र और दिल्ली में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार ने फिर से सबकी चिंता बढ़ा दी है। आगरा में जिला प्रशासन ने महाराष्ट्र समेत सभी संक्रमण प्रभावित राज्यों से आने जाने वालों के लिए कोरोना जांच और 7 दिन क्वारंटीन में रहना अनिवार्य किया। लखनऊ में सबसे बड़ा सामूहिक विवाह कार्यक्रम, सीएम के सामने 3500 जोड़ों की कराई गई शादी, सीएम ने सभी जोड़ों को दिया आशीर्वाद। मथुरा में अखिलेश यादव का अलग अंदाज दिखाई दिया, अखिलेश ने लोगों से बातचीत की और कुल्लड़ में कढ़ाई का दूध और दूध पीकर आनंद लिया। लखनऊ में बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, फिल्म राम सेतु की शूटिंग पर बातचीत हुई, ग्रेटर नोएडा में बनने वाली फिल्म सिटी पर भी चर्चा। आगरा में दक्षिणी बाईपास पर अनियंत्रित ट्रक मकान में घुसा, हादसे की लाइव तस्वीरें सीसीटीवी में कैद, हादसे में बाल बाल बचे लोग, थाना मलपुरा क्षेत्र में गांव बाद का मामला। बागपत पहुंची विश्व हिंदू परिषद की नेता साध्वी प्राची ने दिया बड़ा बयान, कहा अब समय आ गया है कि मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाए जाएं, योगी सरकार करे पहल। मैनपुरी के लालमन गांव में युवती की गोली मारकर हत्या, युवती का शव गांव के बाहर खेतों से बरामद, मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम हत्यारों की तलाश में। परिवहन मंत्री यशपाल आर्य ने रोडवेज स्टैंड के निर्माण में हो रही देरी को लेकर अधिकारियों को फटकारा, उन्होंने बस स्टैंड का काम जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। हल्द्वानी के बाल सुधार गृह से 7 बच्चे फरार, खोजबीन के बाद 2 बच्चे बरामद, एक ही कमरे में 7 नहीं रहते थे 7 बच्चे। मसूरी में पानी की किल्लत से परेशान महिलाएं, जल संस्थान के अधिकारियों का कहना है कि इस बार बर्फबारी कम होने की वजह से हो रही परेशानी। कहता राजेश मसाला और राघव भोग चक्की आटा टेस्ट में जबरदस्त ट्राई कीजिए।